दोस्तों शाओमी के कुछ न्यू स्मार्टफोन इंडिया में आने वाले हैं जिनके बारे में मैं और विवेक भाई आपसे बात करेंगे, और ये स्मार्टफोन बड़े कमाल के होने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये रेड बटन दबाकर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो विवेक भाई आप बताओ सबसे पहला कौन सा फोन आने वाला है? यार सबसे पहला फोन आने वाला है, बहुत लोगों को बेसब्री से इंतजार है, Mi A2। और ये जो फोन होगा ना ये कैमरा सेंट्रिक फोन होगा, और मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको मिल सकता है 20+12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और उसके साथ साथ 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। लेकिन भाई यहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर केवल आपको मिलेगी लगभग 3000 mAh की बैटरी, लेकिन यदि आप म्यूजिक के शौकीन है तो भैया यहाँ पर ऑडियो जैक नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये Redmi Note 5 Pro से थोड़ा सा बेटर हो सकता है कैमरे के हिसाब से। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, अगर Xiaomi ने कुछ अपग्रेड नहीं किया इसमें तो आपको यही मिलेगा जो हम बता रहे हैं, क्योंकि जो Mi 6X है चाइना में वही इंडिया में बन के आ रहा है Mi A2। अब इस फोन को लेकर काफी कुछ सामने आया था, कभी रिपोर्ट आती कि ये फोन इंडिया में नहीं आएगा और कभी लीक्स निकल के आते कि ये फोन इंडिया में आने वाला है। फाइनली ये फोन इंडिया में आने वाला है, लेकिन यदि हम लीक्स देखते हैं तो वहां कहा गया है कि यार 19,000 का हो सकता है, लेकिन यार यदि हम हटा दे प्राइस को, ये फोन यदि 16,000 के आसपास आया तो हम इसको देंगे थम्स अप। तो अनुज भाई नेक्स्ट फोन हमारा कौन सा होगा? नेक्स्ट फोन होगा हमारा देश का स्मार्टफोन Redmi 6A। ग्रेट यार, Redmi 5A आया था 5,000 रुपए का, लेकिन यार उसका प्राइस बढ़ा दिया गया 1,000 रुपए, ये बहुत गलत बात है। तो भाई इसमें क्या होने वाला है? इसमें आपको मिलेगा MediaTek का Helio A22। ओके, ये भी एक अच्छा प्रोसेसर है बजट सेगमेंट के हिसाब से, और जिसमें आपको बड़ी बात यह है कि जो डिस्प्ले है इसका वो होगा 18:9 वाला। और भाई इसमें कैमरे के हिसाब से क्या होगा? कैमरा होगा 13 MP रियर और 5 MP फ्रंट। इसको आप कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं कह सकते, ये एक नॉर्मल स्मार्टफोन। तो भाई मतलब ये यदि हम कह सकते हैं कि 10,000 से कम का ही होगा, 5,000 के, आई थिंक 5,000 के आसपास होगा। तो भाई मैंने कहीं सुना है कि Redmi का 6 भी आने वाला है। हाँ Redmi 6 भी आने वाला है, वो Redmi 6A के साथ ही आएगा, Redmi 6। उसमें आपको मिलता है MediaTek Helio P22, जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है। तो भाई इन दोनों फोन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस एक तो है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको नहीं मिलता Redmi 6A में, जो कि आपको मिलता है Redmi 6 में, और जो बॉडी है वो भी उसकी पॉलीकार्बोनेट है Redmi 6A की, और जो Redmi 6 है उसमें आपको मेटल बिल मिलती है, तो ये एक बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो अनुज भाई 2018 और 2019 में मुझे लग रहा है सबसे बड़ा ट्रेंड होगा नॉच वाला फोन। क्या आपको लगता है ये मी का कोई नया फोन आने वाला है रेडमी का जिसमें नॉच वाला डिस्प्ले हो और जिसका प्राइस कम हो? यार एक आ रहा है मी का Redmi 6 Pro, ओके, जो कि बहुत ही जल्दी चाइना में लॉन्च होने वाला है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें आपको वही पुराना स्नैपडन 625 मिल सकता है, तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब बस उसमें नॉच होगी, नॉच होगी, लेकिन वो नॉच कैसी है वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते। तो अनुज भाई यार जिस फोन का मुझे बेसब्री से इंतजार है वो है Redmi का Mi 8 SE। उसका इंतजार मैं भी काफी टाइम से कर रहा हूँ कि कब वो इंडिया में आएगा। तो कुछ खास चीज है उसमें? उसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 710। ओके, तो ये फोन काफी पावरफुल होने वाला। लेकिन भाई एक चीज है, इस फोन में जो आपको डिस्प्ले मिल रही है ना वो आपको सैमसंग की एमोल डिस्प्ले मिल रही है, वो भी यार एस्पेक्ट रेशियो वही जो चल रहा है 18:9, लेकिन डिस्प्ले के हिसाब से भाई कमाल का होगा, क्योंकि जो प्राइस है इसका चाइना में आई थिंक 19,000 के आसपास इसका प्राइस है चाइना में, तो 19,000 में आपको ऐसी डिस्प्ले और नोच वाला डिस्प्ले है और एमोलेड आपको पैनल मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और आपको ये बता दें इसमें यदि आपको रियर कैमरा देखना है ना तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 12+5 MP का, और सेल्फी लवर्स के लिए मिल रहा है 20 MP का। लेकिन इसका जो डिजाइन होगा, जो डिस्प्ले होगा, जो प्रोसेसर होगा, सब बड़े कमाल का होगा। इसका जो कैमरा है उसको लेकर ही काफी हाइप क्रिएट किया है MI ने। तो अनुज भाई एक थोड़ी चीज और बता दिए कि यार प्राइस क्या होने वाला है आपके हिसाब से? प्राइस इसका कहना थोड़ा मुश्किल है, जहां तक मेरा आइडिया है इसका प्राइस इंडिया में 18,000 के आसपास हुआ तो काफी अच्छा रहेगा। भाई ये बताइए कि हमारे मतलब सबको ये बता दो यार कितना वेट करें कि ये सारे फोन आ जाएं, मतलब 1-2-3-4 महीना कितना? जहां तक मेरा आइडिया है काफी जल्दी आपको ये फोन देखने को मिल जाएंगे इंडिया में, आपको 1-2 महीने का ही वेट करना पड़ेगा। तो यार आज की वीडियो में हमने 5 फोन के बारे में बताए हैं, अब आप बताइए कि आप किस फोन की तरफ जाएंगे। वैसे यदि मैं अपनी बात करता हूं तो मैं इंतजार कर रहा हूं Mi 8 SE के बारे में, वैसे आप क्या कर रहे हो? सेम Mi 8 SE के बारे में। तो भाई हम सबको तो इंतजार है Mi 8 SE का, और इसका यदि प्राइस कम हुआ तो भैया ये फोन भी कमाल करने वाला है। अगर इसका प्राइस सही होता है तो ये फोन 15,000-20,000 के सेगमेंट का एक ऐसा स्मार्टफोन रहेगा
जो कि मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा बिक सकता है। मुझे एक कमेंट मिला था कि जब फोन आने वाला होता है तब तो आप फोन की अच्छी बातें बताते हैं कि ये फोन काफी अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फोन आने के बाद आप उसकी बुराई करने लग जाते हैं। तो भाई ऐसे ही कमेंट्स मेरे पास भी आते हैं, तो क्या कहते हैं अनिल भाई? एक्चुअली दोस्तों बहुत सारी बातें होती हैं। अब तो एक तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो फोन है ये इंडिया में किस प्राइस पे आते हैं, इस पे भी ये डिपेंड करता है। दूसरा, कई बार क्या होता है, फोन यूज करने के बाद काफी बग्स का पता लगता है, उसके बारे में हम आपको बाद में बताते हैं फोन टेस्ट करने के बाद। लेकिन हम पूरी से पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक सच पहुंचे, सही इन्फॉर्मेशन आपको हम दें। अब आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, और ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।